आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ पिछले 8 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे निवेशकों ने कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर घर प्राप्ति के लिए हवन किया। जो अनिल शर्मा जी ओनर दिवालिया होने के कुछ कार्यक्रम चला रहे हैं, तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारे हित की रक्षा हो सके। हमने 10 से 12 लाख रुपए अपनी सेविंग पिछले 10 साल की इसमें लगा दी, जो कि 20% अमाउंट होता है बुकिंग का, 10 से 15% 20%, और वो भी डूब गया है। 90% पेमेंट करने के बाद भी हमें मकान नहीं, ये आशा ही नहीं है कि मिलेगा। 8 दिनों से भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के बाद भी कोई मदद नहीं मिलने के कारण अब खरीदारों को भगवान का ही भरोसा दिख रहा है। कोई नहीं सुनवाई देता, वहाँ भी जाते हैं, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, कुछ नहीं दे रहे हमारे को। मैं हर संडे को जाता हूँ, कितने चक्कर आप क्या गिनवाऊँ, मैं आप लोग दिल्ली के कितने चक्कर है, कितनी बार गया हूँ, मैं पूरा पैसे दे चुका हूँ, मैं पूरा रिटायरमेंट का पैसे दे चुका हूँ, मैं 5 साल हो गए रिटायर हुए, पेंशन मेरी मिलती है, उसमें कितना खाऊंगा मैं, अपने देखूंगा क्या देखूंगा, मुझे ये बताइए। खरीदारों के साथ साथ आम्रपाली के कर्मचारी भी अब समूह के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। कर्मचारी का कहना है कि उन्हें पिछले 11 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। जी, हमें आश्वासन दिया गया अगले महीने आपको 2 सैलरी दिलाई जाएगी, 3 सैलरी दिलाई जाएगी, बीच बीच में 2,000, 5,000, 10,000 इस तरह से आर्शियल पेमेंट किया गया हम लोगों का, जिसके बाद कोई सुन नहीं आया। अब तो हमारे सामने भी कोई नहीं आ रहा, बात करने के लिए कोई राजी नहीं है, और हम लोग भूखों मर रहे हैं। हमारा मकान मालिक आके हमारा सामान फेंक रहा है, बच्चों बीबी को हम कहाँ ले जाए, सड़क पे करें, स्कूल से निकाले जा रहे हैं बच्चे, हम लोग पास आत्महत्या की स्थिति आ गई है। कंपनी का कोई रवैया नहीं है, बस झूठी आश्वासन देते हैं कि हम आपको सैलरी 2 महीने 3 महीने के ऐसे करके ऐसा झूठी आश्वासन दे देंगे, पर कंपनी भी ऐसा नहीं हुआ। ये करीबन हमारे साथ अप्रैल मई से यही चीज़ चलती है, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि नहीं, आप लोग जो है काम स्टार्ट हो जाता है तो हम आपको 2-3 महीने की सैलरी प्रोवाइड करा देंगे, यही आश्वासन देते हैं, और पता चलता है कि 5,000-10,000 रुपये दे दिए और किसी में हमारा महीना निकल, यही करते करते 11 महीने की हमारी सैलरी, अब समझ में नहीं आ रहा कि सैलरी निकलेगी। हवन करने के बाद भी सभी बायर्स ने नोएडा के सेक्टर 16 फिल्म सिटी में मास्क लगाकर कैंडल मार्च भी निकाला। कैंडल मार्च के दौरान कुछ लोगों ने आम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी से घर दिलाने की अपील की। इस समय मौजूद नोएडा सेक्टर 16 में जहां आम्रपाली बायर्स का कैंडल मार्च चालू है, घर खरीदार हताश है, निराश है, वो भी क्यों ना, उन्होंने अपने सालों की जमा पूंजी अनिल शर्मा को सौंप दी है, इसी आस में कि उन्हें अपने सपनों का घर एक दिन मिल जाएगा, लेकिन इतने सालों के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया है, ना ही नोएडा अथॉरिटी और ना ही सरकार उनके साथ है। अब देखना यह बनता है कि क्या उन्हें अपने सपनों का आशियाना एक दिन मिल पाएगा या मीडिया के लिए अनुराग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।